जा रही थी 2013 में। उस वक्त भी जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोवा में आयोजित की गई, मनोहर पर्रिकर जी उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया। उनके पैरोकार करने वालों में से सबसे आगे रहे मनोहर पर्रिकर जी। उनकी सरल सादगी भरा जीवन, उनकी शालीनता, मृदुभाषी व्यक्तित्व, लेकिन कठोर निर्णय लेने की क्षमताएँ और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ उनका बैकग्राउंड, इन सभी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत प्रिय रहे मनोहर पर्रिकर। और इसी वजह से जब देश को रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गोवा से केंद्र की राजनीति में ला खड़ा किया। लेकिन उसके बाद जब गोवा को उनकी ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही निर्णय लिया, मनोहर जी को वापस गोवा भेजा गया। ये दृश्य सीधे कला अकेडमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर पर्रिकर जी के परिवारजन से बात कर रहे हैं। दिस विजुअल्स कमिंग इन फ्रॉम कला अकेडमी इन गोवा, द वेन्यू वेयर द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ लेट मनोहर पर्रिकर हैव बीन रेस्टेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड हिज रिस्पेक्ट्स टू हिज कॉलीग इन द कैबिनेट एंड ऑल्सो इन द पार्टी as defense minister. Prime Minister Narendra Modi and Manohar Parrikar worked together closely. Goa Chief Minister Manohar Parrikar passed away in Panaji on Sunday evening after prolonged illness, and all his colleagues, opposition members from across political spectrum, have been paying tributes to him since morning. And now Prime Minister Narendra Modi has also arrived in Goa, interacting with family. तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी गोवा में इस वक्त। The ways in which he connected with the simplicity of Manohar Parrikar, his persona that connected him with all leaders and तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी मनोहर पर्रिकर के अंतिम यात्रा में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार से बातचीत करते हुए, मनोहर पर्रिकर के दो बेटे हैं और उनसे बातचीत करते हुए एक बेटा, प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्वीट में भी कहा है कि आधुनिक गोवा, दोनों ही बेटे राजनीति से दूर हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर पर्रिकर के संबंधों की बात की जाए और ये तमाम, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो उस ट्वीट के व्यक्तित्व को रेखांकित करती है, उन्हें चिन्हित करती है। न केवल एक सहयोगी के तौर पर, एक दोस्त की तरह मनोहर पर्रिकर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरा नाता रहा है। कई दशकों तक का रिश्ता दोनों के बीच रहा है और न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, बल्कि उसके बाद प्रशासक के रूप में, सत्ता में दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। मनोहर पर्रिकर जी जिन्होंने हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तस्वीरें आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं मनोहर पर्रिकर के अंतिम विदाई में यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके परिवार से बातचीत करते हुए, दो बेटे उनके हैं और उनसे बातचीत करते हुए। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे दोनों के संबंध कितने घनिष्ठ और कितने नजदीकी थे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी, जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहले अगर किसी ने प्रपोज किया तो उस श्रेणी में सबसे पहला नाम मनोहर पर्रिकर का आता था। दो बेटे हैं और दोनों बेटे, तस्वीरें आपके सामने हैं, एक बेटा इंजीनियर है और दूसरा बिजनेसमैन, दोनों ही राजनीति से दूर हैं। अभिजीत और उत्पल, कमलेश उत्तार इस वक्त हमारे साथ हैं। कमलेश बताइए, अपनी आंखों देखिए, ये दोनों बेटे मनोहर पर्रिकर के, दोनों राजनीति से दूर हैं, उत्पल और अभिजीत। उत्पल जो हैं उन्होंने अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जबकि अभिजीत जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं। इस वक्त की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, मनोहर पर्रिकर के परिवार वालों से यहां पर मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। गोवा के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये। और जैसा कि संबंधों की अगर बात की जाए, तो इन दोनों नेताओं के संबंध
बड़े ही अलग थे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जब मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर आई तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आया, उस ट्वीट में अगर आप ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि हाथ पकड़कर मनोहर पर्रिकर प्रधानमंत्री मोदी के का खड़े हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में मनोहर पर्रिकर को एक अद्भुत छवि वाला नेता बताया। कमलेश उत्तार हमारे साथ, हमारे सहयोगी कमलेश, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और हम देख रहे हैं उनके परिवार से बातचीत करते हुए। इन दोनों के अगर संबंधों की बात की जाए तो मनोहर पर्रिकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मोदी को बनना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री। इन दोनों के संबंधों पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दोनों की अगर राष्ट्रीय राजनीति की पारी हुई है कि वक्त में लगभग शुरू हुई थी। मनोहर पर्रिकर वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम बतौर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में सजेस्ट किया था। वो वक्त था जब हालांकि बातें चल रही थी कि नरेंद्र मोदी को बाकायदा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, कैंपेन कमेटी का हेड घोषित किया जाए, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कर रहा था। वो ऐसे में मनोहर पर्रिकर जो जाने जाते थे अपनी बेबाक शैली के लिए, उन्होंने उस कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने सबसे पहले नाम प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी का कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किया जाना चाहिए। और उस वक्त के दोनों नेताओं में एक अलग दोनों का एक राजनीतिक रिश्ता और एक व्यक्तिगत रिश्ता भी दोनों में रहा है। मनोहर पर्रिकर की बात करें, मनोहर पर्रिकर गोवा से जुड़े थे और उनको कई बार राष्ट्रीय राजनीति में जाने के पार्टी की तरफ से ऑफर दिए, कभी उनको लोकसभा लड़ने का प्रपोजल था। एक बात आपको बता दें कि नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब संघ की तरफ से भी सुझाव था और पार्टी भी चाहती थी कि मनोहर पर्रिकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया जाए। एक उच्च शिक्षित नेता के तौर पर उनकी छवि थी, एक निष्कलंक उनकी छवि थी और ऐसे एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्लान था और उस वक्त काफी कन्विंस किया गया उनको, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उनका कहना था कि वो गोवा में ही ठीक है और उनको गोवा की राजनीति से ही ज्यादा लगाव है, गोवा से बाहर। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको यहाँ पर, तस्वीरें ये देखें, प्रधानमंत्री मोदी उनको नमन करते हुए और अब आगे बढ़ते हुए परिवार वालों से मुलाकात करते हुए और पणजी में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। करीब 5 बजे वहां पर बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर सभी लोगों से बातचीत करते हुए, यहां पे पार्टी के और लोग भी मौजूद हैं, निर्मला सीतारमन इस देश की रक्षा मंत्री, मनोहर पर्रिकर इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे और उसके बाद जब उन्होंने पद छोड़ा तो फिर निर्मला सीतारमन इस देश की रक्षा मंत्री बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था, एक अनपैरलल लीडर, अ ट्रू पेट्रियट, एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज एडमायर्ड बाय ऑल। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी जो देश के प्रति जो उन्होंने सेवा की है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने ओम शांति करके उस ट्वीट को एंड किया। और आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पर्सनल ट्विटर हैंडल से पिछले 17 घंटों से कोई ट्वीट नहीं आया है इस खबर के बाद। ये जो ट्वीट हुआ उसके बाद एक के बाद एक 3 ट्वीट किए प्रधानमंत्री ने और 3 ट्वीट मनोहर पर्रिकर को लेकर। पार्टी की बात की जाए, देश की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ पर अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आप सामने फ्रेम में देख रहे हैं ये मनोहर पर्रिकर के 2 बेटे, एक इंजीनियर और दूसरे बिजनेसमैन। एक का नाम है उत्पल और दूसरे अभिजीत है। उत्पल अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और अभिजीत जो है वो एक बिजनेसमैन है। कुछ दिनों पहले ही उत्पल ने कहा था कि राजनीतिक पद कड़ी मेहनत से मिलता है, इसे कोई भी पुश्तैनी जागीर समझकर हासिल नहीं कर सकता।
देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो आईआईटी से पास आउट हुए थे। चार बार मुख्यमंत्री, एक बार डिफेंस मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी से एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसा संबंध, दोनों के बीच में कई बार मशवरा हुआ करता था। जब गोवा में एकाएक क्राइसिस हो गई, चुनाव के परिणाम आए और लगा कि सरकार नहीं बन पाएगी, तो सीधे मनोहर पर्रिकर को भेजा गया। प्रधानमंत्री के तौर पर न केवल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त सबसे पहले उनका नाम आगे बढ़ाने वाले मनोहर पर्रिकर थे। पूरे गोवा में एक शोक की लहर, क्योंकि गोवा को ऐसा मुख्यमंत्री जो बहुत सरल, बहुत सादगी वाला, स्कूटर से पहुंच जाए विधानसभा, एक आम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने बैठ जाए, ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही कभी मिला हो, बल्कि देश में भी। सादगी असल तरीके में, यह नहीं कि कह दिया और बाद में होता कुछ और है। मनोहर पर्रिकर की जो पत्नी है, उनका स्वर्गवास आज से करीब 19 साल पहले हो गया था। उनके दो पुत्र हैं, चार बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक बार इस देश के रक्षा मंत्री। जाहिर सी बात है, परिवार गमजदा है। एक साल से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। और बड़ी गौर करने वाली बात है, मुझे वो तस्वीर बार बार याद आती है, उरी फिल्म रिलीज होने के बाद मनोहर पर्रिकर ने नाक में पाइप लगी हुई थी और स्टेज से लोगों से पूछा, हाउ इज द जोश। वो तस्वीर अपने आप में एक छाप छोड़ गई, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको शायद इस बात का अंदाजा था कि उसके जिंदगी के कम दिन बाकी हैं, नाक में उसके पाइप लगा हुआ है, वजन ढल चुका है, फिर भी वो लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ बोलता है, हाउ इज द जोश। एक और बड़ी रोचक बात मनोहर पर्रिकर की, वो ये बड़ी मशहूर हो रही है कि कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर अक्सर ये कहा करते थे कि मैं अपने अंतिम वक्त तक गोवा की सेवा करता रहूंगा, और वही हुआ। यहां तक कि पार्टी के लिए गोवा के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी विकल्प मनोहर पर्रिकर का ढूंढने नहीं मिल पा रहा है। जब वो इस देश के रक्षा मंत्री थे तब उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां थी, और उनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिसमें बड़ी रोचक कुछ बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सीधे जितनी तेजी से काम तब होता था, कहा जाता है कि देश में ऐसा रक्षा मंत्री कई सालों के बाद आया। दूसरा, कहा गया कि जितने भी लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं सबकी छुट्टी कर दी गई। साहिल जोशी हमारे साथ है। साहिल, आपकी आंखों देखी एक एक तस्वीर बताएं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार को मिलने के लिए यहां पर आए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उनके दोस्त, हम कह सकते हैं, मनोहर पर्रिकर को। मनोहर पर्रिकर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है, क्योंकि गोवा में ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ था और वो मनोहर पर्रिकर ही थे कि जिन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए ये बात खुलकर इस अधिवेशन में रखी, और उन्होंने ही प्रपोज किया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास आज सबके सामने है। तो वो एक बात थी, और इसी की वजह से नरेंद्र मोदी ने, हालांकि मनोहर पर्रिकर ने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व होना है, या कैबिनेट मंत्री दिल्ली में जाकर उन्हें बनना है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही थी, लेकिन वो उसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। उन्हें गोवा की राजनीति पसंद थी, गोवा का की जिंदगी भी पसंद थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के कहने पर वो यहां पर आए, और उसके बाद 2 साल तक वो रक्षा मंत्री भी रहे। अभी भी आप देख सकते हैं कि अब नरेंद्र प्रधानमंत्री के आने के बाद एक के बाद एक कई सारे
बीजेपी के नेता यहाँ पर आते हुए नजर आए, उसके साथ साथ उनके परिवार को वहां पर वो मिल रहे थे। स्मृति ईरानी यहाँ पर थी, निर्मला सीतारामन डिफेंस मिनिस्टर, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर आई थी। श्रीपाद नाइक जो गोवा से सांसद भी है और वो भी और वो मंत्री भी है, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकेंगे, परिवार से बात करेंगे और यही घड़ी है जब परिवार को एक सांत्वना की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री एक नेता के रूप में और मनोहर पर्रिकर के व्यक्तिगत दोस्त के रूप में भी अर्पित कर रहे हैं ये श्रद्धांजलि और सांत्वना। ये बातें एक तरफ है, दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर जैसे नेता इसलिए भी कम है क्योंकि आमतौर पर राजनीति में आगे तक जाने की हर किसी की होड़ होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा कम रखने वाला नेता बहुत ही कम मिलते हैं किसी भी पार्टी में। और उसमें से ही एक नेता हम कह सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर भी थे। उनका पिछली बार मुझे याद है 2017 में जब विधानसभा के लिए वो यहाँ मतदान करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे अभी भी फिश करी राइस ज़्यादा पसंद है बटर चिकन के मुकाबले। उनका कहना साफ था कि दिल्ली से ज़्यादा पणजी और गोवा की जिंदगी उन्हें रास आ रही है और इसीलिए वो गोवा लौट कर भी आना चाह रहे थे। हालांकि उनको लौट कर आने दिया गया क्योंकि उनके बिना यहाँ पर सरकार बन भी नहीं सकती थी निशांत, और आज हम देख रहे हैं कि आज जब वो नहीं रहे हैं तो बीजेपी को उनके अलायंस पार्टनर्स को मनाने में और सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी एक नाम पर अभी भी सहमति बनना मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये माहौल फिलहाल यहाँ पर है और प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अंतिम संस्कार जब 5:30 बजे मीरामार बीच के पास होंगे तब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे और उनको अंतिम विदाई देकर ही वो दिल्ली लौटेंगे। फिलहाल बीजेपी ने सारे अधिकृत उनके प्रोग्राम्स रद्द किए हुए हैं। आज उम्मीदवारों की सूची भी जारी होनी थी, वो भी रद्द हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की ज्वाइंट रैलीज दो होने वाली थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति में लगता है कि प्रधानमंत्री यहीं रहेंगे और लास्ट राइट्स होने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद ही वो दिल्ली लौटेंगे। जानना चाहूंगा आपसे मैं कि अभी इस वक्त और जानकारी क्या है, अब आगे का कार्यक्रम क्या है यहाँ पर? देखिए अभी सुबह मनोहर पर्रिकर का पार्थिव बीजेपी के दफ्तर पणजी में ले जाया गया। पणजी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही है, वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतदाता वहां पर भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे। उसके बाद ललित कला केंद्र उनका पार्थिव लाया गया, जहां पर एक स्टेट ऑनर में हम देख सकते हैं कि तिरंगे में लिपटा उनका शव यहां पर रखा गया है और काफी भीड़ है यहां पर। लोग आकर उनसे उनको अपनी संवेदना दे रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद 4:30 बजे के करीब यहां से ये पार्थिव एक प्रोसेशन के रूप में मीरामार बीच की तरफ ले जाया जाएगा और वहां पर जाकर अंतिम विधि वहां पर होगा और उम्मीद है कि 5:30-6 बजे तक ये अंतिम विधि होने की उम्मीद की जा रही है। साहिल आप मेरे साथ